ना ना, मैं तो देखते रहता हूँ, बहुत कम तो एक एक घंटा लग जाता है इनको। दरवाजा ठीक कराता नहीं, बंद कर रहा है। टॉर्च दिखाओ, तू भी दिखा, फोन दिखाता रह। ये तो मैंने बंद करा। हाँ, ये इन्होंने करा हुआ। फिर पीछे निकल जाएगा। कोई नहीं, अब ये कर रहा भाई जी, वही है 6 फुट वाला, 5 फुट वाला ये वही है, ये बड़ा ही है। फिर ये कल आशु को भी मिला यहाँ सड़क, आशु कह रहे चाचा मुझे छोड़ने चले यार। बस आओ, आवाज सुनो ना, कितनी तगड़ी आवाज है उसकी। भाजी 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 रोज फोन पे देखते थे, आज पहली बार देख रहे भैया हम तो। ये कोबरनाग भाई हमारे बड़े भाई साहब टी आर उनियाल जी की सूचना पर पकड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। ये मादा है, आज हमने पहली बार देखा है भाई साहब को काम करते हुए, बस फोन पे ही देखा करते थे हम डेली। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इसने हमें बहुत परेशान कर रखा था, कम से कम 5-6 साल से ये जो है यही घूमता रहता है। इसको पकड़ लिया गया और काफी हमलावर की स्थिति में पकड़ा। तुम जाओ हाथ मत लगा, डर लग गया। आज हमारे घर में एक कोबरा मादा निकली है, तो भाई भारत भूषण पहले जी को सूचना दी गई, वो तुरंत 2 मिनट के अंदर घर पहुंचे और उन्होंने कुछ मेहनत करके उसको पकड़ लिया है, और पकड़ के वो जो है उसको उसके प्राकृतिक वन में छोड़ने जा रहे हैं। धन्यवाद पहले भाई जी का बहुत बहुत। अपने घर में एक सांप निकला बहुत बड़ा, तो वो भाई जी को फ़ोन किया, तो वो आए और उन्होंने 5 मिनट में सांप को पकड़ लिया, मेहनत करने के बाद काफ़ी। तो भाई जी का बहुत बहुत, बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ हमारे छोटे भाई लल भाई भी चल दिए सांप पकड़ने, देखने कैसे पकड़ा जाता है। आज इन्होंने देखा भी रात में, काफ़ी खतरनाक कोबरा है, काफ़ी फुफकार रहा था, गरीब के घर में था, स्वास्थ्य खराब है, बुखार है। लल भाई को कहा हमने, हमारे साथ चलो, बेचारे चल लिए। और अभी देखिए, इसे कहते हैं मौत का दूसरा रूप। ये कोबरा है, इसको छोड़ा जा रहा है। इसको हमने लच्छी वाला छोड़ने जाना था, परंतु रात को हाथी की आमद बहुत हो चुकी है, खतरा हमें भी है कि किसी की जान बचाते जाते हमारी जान को भी खतरा हो सकता है। कोबरा नाक को प्राकृतिक वाला छोड़ दिया गया, आप देखिए कितना बड़ा है, कितना खतरनाक है। ये चल दिया, आप इसको पकड़ने में काफ़ी दिक्कत हुई, एक दीवार निकालनी पड़ी, एक चीज हटानी पड़ी इसको तोड़ने में। अगर ये काट लेता तो मौत निश्चित थी। सांपों से बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना करें, खतरा हो सकता है। आप लोगों से निवेदन है कि प्राकृतिक जीव इसको ना मारें, इसकी सूचना आप 108 पे दें या हमें दें। आप स्वयं बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना करें, खतरा हो सकता है। इसको पकड़ लिया गया, इसको पकड़े इसके प्राकृतिक वाला छोड़ दिया गया। आप लोगों से एक निवेदन है कि इसके साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना करें। धन्यवाद।